यातायात माह के अंतर्गत एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में एनसीसी के छात्र व छात्राओं को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया गया तथा रेड लाइट और सड़क पर कैसे अपने वाहन को चलाएं इन सभी नियमों के बारे में बताया गया। जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि यातायात माह के अंतर्गत विशेष जागरूकता अभियान पूरे जनपद में चलाया जा रहा है। उसी क्रम में रविवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के एनसीसी के छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया गया है। उन्होंने कहा कि एनसीसी के छात्रों के माध्यम से और बाकी बच्चों में तथा अपने परिवार, रिश्तेदार, पड़ोस, मोहल्ला यातायात जागरूकता के बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि तमाम विभागों के माध्यम से जागरूकता फैलाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है ताकि अधिक संख्या में लोग सड़क सुरक्षा के बारे में जान सकें और पालन करें ताकि जनपद सुरक्षित और सुहाना हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, नियंत्रण में मदद करिए। आप सभी लोग यहाँ आए, मैं एक परिचय और दूँ। जो डॉक्टर राकेश राबिया हमारे वरिष्ठ रहे हैं, प्राचीन इतिहास से पढ़े हुए हैं, हमारे बीच में आए, ट्रैफिक के बारे में बताया। श्री अजय कुमार सिंह जी हमारे चौकी प्रभारी जी, ये सरकार की व्यवस्था है। पुलिस की डिमांड बढ़ती जा रही है, मतलब हमारा समाज और अनुशासन खराब हो रहा है। हम घर में से लेके बाहर तक डंडे के आदि बनते जा रहे हैं। आप सब तब होंगे जब पुलिस की डिमांड कम होगी। सबसे कठिन नौकरी है, सबसे ज़्यादा परेशान है, 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं, वो आप ही की वजह से। छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा, अनुशासनहीनता के नाते पूरी पुलिस परेशान रहती है। कुछ गंभीर हो जाते हैं, कुछ सीधे मामले होते हैं। इतनी सुविधा है, 100 नंबर डायल करिए, लेके गए, पता कुछ नहीं चला, पता चला कुछ ने हमारी बकरी की टांग तोड़ दी। देश अच्छी दिशा में जा रहा है। जब तक 24 घंटे ज़रूरत है पुलिस की, 8 घंटे की जब ज़रूरत हो तो समझिए समाज सुधर रहा है। ये चौकी प्रभारी हैं, मैं चाहता हूँ आप भी अपने ही बच्चों को दो शब्द संबोधित करें, बहुत अच्छा लगेगा बच्चों को। श्री अमित चौधरी है, उससे पहले ही अपनी बाइक स्टार्ट करके आगे निकलने का प्रयास करते हैं, उससे बहुत हादसे होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे आप हेलमेट नहीं लगाते हैं, और सबसे एक जो मेन चीज़, किसी को नींद आ रही है तो आप गाड़ी साइड में रोक दीजिए और थोड़ा आराम करके रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप गाड़ी लेके आगे चलिए। यातायात माह के अंतर्गत विशेष जागरूकता अभियान पूरे जनपद में चलाया गया है। इसी कड़ी में आज दीनदयाल विश्वविद्यालय के एनसीसी के जो छात्र हैं, एनसीसी के कैडेट हैं, उनके लिए भी आज यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया। एनसीसी के बच्चों के माध्यम से हम चाहते हैं कि शेष जो बच्चे हैं उन सभी के अंदर भी एनसीसी कैडेट मैसेज पहुंचाएं और अपने घरों में, परिवारों में, अपने पेरेंट्स में जो है यातायात जागरूकता का मैसेज प्रत्येक घर घर तक पहुंचाएं। हमने प्रत्येक प्रकार के नागरिकों के लिए सभी प्रकार के ग्रुप्स को टारगेट किया है, चाहे एनएसएस के वॉलेंटियर्स हों अथवा सिविल डिफेंस के हमारे स्वयंसेवी लोग हों अथवा एनसीसी के कैडेट्स हों, इन सब के माध्यम से भी हम जागरूकता फैलाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं ताकि अधिक से लोग सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जानें और पालन करें ताकि सभी का सफर सुरक्षित और सुहाना हो सके। थैंक यू।